नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मिर्जापुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में किए गए तमाम विकास कार्यों को लेकर जनता को बताया। साथ ही विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जाति का खेल खेलने वालों को विकास उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं लग रहा है। सुनिए और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बहनों और भाइयों, 56 लाख गरीबों को मकान दिया गया एक एक पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर। 2,62,00,000 से अधिक गरीबों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण करवाया गया। आज उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण करके वहां पे एक कर्मचारी की तैनाती कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में करते हुए गांव की सुविधा गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो, जिनके लिए उन्हें जिले के अंदर तहसील के अंदर ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता था। आज ऑनलाइन यह व्यवस्था वहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। बहन और भाइयों, 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैं तो मिर्जापुर और विंध्य क्षेत्र के सभी युवाओं का आह्वान करूंगा, हमारी सरकार एक निर्णय करने जा रही है, जो भी युवा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता, अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है, वो अपना अभी से नामांकन प्रारंभ कराएं। हम अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। ब्याज की जो भी धनराशि होगी वह राशि सरकार देगी, वह अपना मूलधन अपने व्यवसाय के साथ जोड़े और उसके माध्यम से अपने व्यवसाय को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। के पहले यही गरीबों को मकान दिया गया है पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर। समानांतर सरकार चलाए, 2,62,00,000 से भी गरीबों के लिए था, कहीं वन माफिया है भी था, एक शौचालय का निर्माण करवाया गया था, कई संगठित अपराध में ग्राम पंचायत में माफियाओं के गिरोह का निर्माण समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था कर्मचारी की तैनाती कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में करते थे, प्रशासन उनके सामने सल्यूट देने के लिए मजबूर होता था, प्राप्त हो और जिनके लिए उन्हें जिले के अंदर तहसील के अंदर ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता था, देख रहे बार बार जाना पड़ता था, गिड़गिड़ा रहे ऑनलाइन ये व्यवस्था हुजूर पर उन्हें एक बार जान बकार ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है। फेली लगा करके 6.5 लाख भर लेंगे सरकारी नौकरी मिलना को छेड़ेंगे नहीं, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में आए हैं। भाइयों भाइयों, मैं तो मिर्जापुर और विंध्य क्षेत्र के युवाओं का आह्वान करूंगा, हमारी सरकार एक निर्णय करने जा रही है, जो भी युवासनी की कृपा स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता, अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता है, वो अपना आज हमने यहाँ पे युवाओं को भी सम्मानित किया है। कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को कारपेट के चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। स्तर पर ले जाने का कार्य जो भी धनराशि होगी अभी कुछ दिनों में सरकार देगी, भदोही के मूलधन एक्सपो मार्ट में भी के साथ एक्सपोजिशन लगने जा रही है, उसके माध्यम से अपने व्यवसाय को रूप से दुनिया के अंदर किस क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है। 56 लाख गरीबों को मकान दिया गया है पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर। अपने अपने कारपेट को डिस्प्ले कर 2,62,00,000 से भी गरीबों के लिए एक नया अवसर प्राप्त हो, एक एक शौचालय का निर्माण करवाया गया। आज सितंबर से लेकर के पंचायत में 29 सितंबर तक सचिवालय का निर्माण करके आयोजन हम ग्रेटर नोएडा में करने जा रहे हैं। एक बहन और भाइयों, कर्मचारी की तैनाती कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में करते हुए
यहाँ के प्रोडक्ट को भी वहाँ पे हम एक बार के लोगों को दुनिया के सामने शोकेस करने का अवसर उपलब्ध कराएंगे। तहसील के अंदर ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता था, आपको ऑनलाइन ये व्यवस्था यहाँ का प्रोजेक्ट अगर एक्सपोर्ट होता है तो में किया जा रहा करके चलिए बहन और भाइयों, मुनाफा 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलना आएगा, उस कानून को यहाँ लगाएगा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम होगा, भदोई 40 लाख करोड़ रुपए का ही होगा, जाचिका लाख गरीबों को मकान दिया गया, एक एक पिछले समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं 62 लाख से भी गरीबों के लिए अपराधियों दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले निर्माण करवाया थे, नाक रगड़ते थे, आज उत्तराधिकारियों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे, ग्राम सचिवालय का निर्माण करके देश विकास की नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में करते हुए गांव की सरकार गांव के अंदर ही गांव के लोगों को प्राप्त हो, आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, के अंदर ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता था, बार बार जाना पड़ता था, और मेरी राय सबसे अपील होगी वहीं पर उन्हें याद रखना कार्यक्रम वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, और भाइयों वाली पीढ़ी के 6 लाख मजबूत बनाने के लिए ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए, कानून व्यवस्था सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है, 40 लाख करोड़ रुपए के लिए मिर्जापुर और विंध क्षेत्र के युवाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय करने जा रही है, विकास का नारा दिया, जो भी युवा उस अभियान को घर घर तक पहुंचाने का संदेश स्थापित करना चाहता है, जैसे मां विंध्यवासिनी का नाम आज चमक रहा है, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, के अंदर जैसे 10 लाख युवाओं को जनपद पहले चरण में 5 लाख बेहतरीन तरीके से लाख रुपए ब्याज मुक्त मेडिकल कॉलेज करवाने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय नर्सिंग कॉलेज का निर्माण के साथ आगे बढ़ा है, सरकार देगी हर घर नल की योजना के साथ आगे बढ़ी है, अपने व्यवसाय के साथ जोड़े क्रम और सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए और भाइयों और हम आए 56 लाख गरीबों को मकान दिया गया है, 7.5 वर्ष के अंदर, और भाइयों 2.62 करोड़ से भी गरीबों के लिए यानी विधवा महिला एक एक शौचालय का निर्माण करवाया गया, दिव्यांग जनों को प्रदेश का लाभ ग्राम पंचायत ने आज ग्राम सचिवालय का निर्माण करके करवाने का काम कर वहाँ पे 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है, कर्मचारी की तैनाती कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में करते हुए पात्रता है, लेकिन सुविधा नहीं मिल पा रही है, गांव के लोगों को चौपाल लगा करके कैंप लगा करके जिले के अंदर तहसील ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता था, आज यहां पर यह मंच अनेक योजनाओं को लेकर के आया है, इसमें विकास भी है, यहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम भी है, यहां पर आने वाले समय में यह जनपद भी एक विकसित जनपद के रूप में प्रधानमंत्री जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएगा, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है, बहन और भाइयों 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद की क्या स्थिति थी, इस जनपद में कनेक्टिविटी का अभाव था, गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर और त्रिकोण के रूप में विख्यात इस पवित्र शक्ति पीठों की क्या स्थिति रहा करती थी, यहां की सड़कों के क्या हालात थे और किस प्रकार से यहां गुंडा राज और माफिया राज हावी था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, बहनों और भाइयों आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा है, बदलते हुए मिर्जापुर को भी आपने महसूस किया होगा, इसका एहसास किया होगा।